घंटे तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वेदर न्यूज अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के मुताबिक अगले 48 घंटे तक उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे पारा तेजी के साथ 4 से 6 डिग्री तक नीचे लुकेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक देश के पश्चिमी हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व के राज्यों में के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बारिश और उत्तरेगी। उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश से पारा तेजी के साथ नीचे लुढ़क गया है, जिसके बाद मौसम के मिजाज में भारी तब्दीली आई है। मौसम विभाग IMD ने आगाह किया है कि अगले 48 घंटे तक मौसम का हाल कमोबेश यही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक देश के पश्चिमी हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश के कारण तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में रविवार तक मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में 9 जनवरी को भी बर्फबारी की संभावना है। NCR और UP का हाल मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छिटपुट हिस्सों में आज भी बारिश जारी रहेगी। हालांकि कल से मौसम का हाल सुधरेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को भी भारी बारिश की संभावना है। IMD के महानिदेशक M. महापात्रा ने बताया कि दिल्ली में पहले से बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में अब बारिश के कमजोर पड़ने की संभावना है।